टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का, घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं यहाँ मिलके बिछड़ने के लिए, सब चले जाते हैं रहता है यहाँ कौन सदा, किए जा सबका भला, आज सब कुछ है तेरा कल का है किसको पता। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न होंगे, ये जिंदगी के मेले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल केके लेजेंड्स पे। दोस्तों अभी मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यहाँ पर रहते थे नौशाद साहब, देख सकते हैं ये है संगीत सम्राट नौशाद अली मार्ग, और यहीं पर है नौशाद अली साहब का घर। दोस्तों जब हम बात करते हैं नौशाद साहब के बारे में तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम। तो बहुत ही अच्छे दोस्त है रफ़ी साहब और नौशाद साहब। तो नौशाद साहब तो गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी कब्र भी जो है मोहम्मद रफ़ी साहब जहाँ पर आराम फरमा रहे हैं वहीं पर है नौशाद साहब की कब्र। दोस्तों जब बात आता है नौशाद साहब का तो उनके एक से बढ़कर एक गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के हमें याद आ जाते हैं। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, ऐसे महान मौसीकार का आज घर देखना भी एक बड़ी बात है। आप देखिए उनका घर पीछे कितना आलीशान घर है, उनका पूरा जो बंगलो आप देख सकते हैं नौशाद साहब का बंगलो है पूरा। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले, समझ आंखों का, टूट जाएगा हर एक तार यहाँ सांसों का, घर बसा करते हैं दुनिया में उजड़ने के लिए, लोग मिलते हैं यहाँ मिलके बिछड़ने के लिए, सब चले जाते हैं रहता है यहाँ कौन सदा, किए जा सबका भला, आज सब कुछ है तेरा कल का है किसको पता। अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। एक गजल मैंने बनाई फिल्म हब्बा खातून के लिए जो फिल्म बन नहीं सकी। मोहम्मद रफ़ी साहब को जब मैंने बुलाया और ये गजल सुनाई तो मैंने देखा वो रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ रफ़ी साहब? कहने लगे राग पटदीप में ये आपने गजल बनाई मुझे बहुत अच्छी लगी, आजकल जो गाने मैं गा रहा हूँ ये मुझसे गवाए जा रहे हैं, वो सिर्फ गले तक उतरते हैं दिल तक नहीं उतरते, क्या हो गया है जमाने को? मैंने कहा जाने दीजिए, छोड़िए आप जज्बात में पड़ गए, चलिए रिहर्सल कीजिए। रिहर्सल की उन्होंने, कई दिन तक रिहर्सल करते रहे। फिर जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ, गाना रिकॉर्ड होने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब फिर मुझसे लिपट कर रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया आपको आजकल, ज़्यादा जज्बाती हो गए आप, चलिए पैसे ले लीजिए इसके। कहने लगे पैसे मैं नहीं लूँगा इसके। क्यों? फरमाने लगे कि जो ये गाना मैंने गाया, ये गाना गाकर जो मुझे खुशी नसीब हुई है वो पैसे से थोड़ी पूरी होगी, पैसे से कहीं ज्यादा ये खुशी है, मैं पैसा नहीं लूंगा, मैं पैसा नहीं लूंगा, ये कहते हुए वो चले गए साहब। और इत्तेफाक ये था कि उनकी जिंदगी का मेरे साथ ये आखिरी गाना था, ये आखिरी गजल थी। गा रहा था बज्म में बैठा हुआ वो एक गजल, कर रहा था शायरी को रूह मौसीकी में हल। तेरे दर के बाहर भी दुनिया पड़ी है, कहीं जा रहेंगे ठिकाने बहुत हैं, कहीं जा रहेंगे ठिकाने बहुत हैं, ये दुनिया हकीकत की कायल नहीं है, फसाने सुनाओ फसाने बहुत हैं। और एक शेर है जिसको लोगों ने अप्रिशिएट किया था बहुत, कि दरे गैर पर भीख मांगो ना फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। हैं दिन बद मजाकी के, हैं दिन बद मजाकी के नौशाद, लेकिन अभी तेरे फन के दीवाने बहे हैं, कि रंग नया है लेकिन घर ये पुराना है,
ये ऊंचा मेरा जाना पहचाना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। क्या जाने क्यों उड़ गए पंछी पेड़ों से, भरी बहारों में गुलशन वीराना है। सारी बस्ती चुप की गर्द में डूब गई, शिकवा जो करता है वो दीवाना है। ये ऊंचा मेरा जाना पहचाना है, मेरी मंजिल राह वफा से आगे है। तुमको तो दो चार कदम ही जाना है, आपका दामन कल तक मेरा दामन था। आज वो दिन ने ख्वाब है या अफसाना है। आओ पहला जाम पिए नौशाद के नाम, जिसने जहर के घूंट को अमृत जाना है। ये पूछा मेरा जाना।